दोस्तों, कल तक जो वॉर लिमिटेड था यूक्रेन और रशिया के बीच में, इन दोनों के नुकसान हो रहे थे। अब वो वॉर जो है वो ग्लोबल हो चुका है, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली जरूरी हो चुका है। जो सेंशंस यूएस ने रशिया के ऊपर डाले हुए हैं, उसके चलते दुनिया में बहुत बड़े इश्यूज अभी धीरे धीरे बाहर आने शुरू हुए हैं। इस इश्यूज की वजह से काफी लोगों को नुकसान होने वाला है, तो काफी कंपनियों को फायदा भी होने वाला है, और उसी तरीके से उनके स्टेक होल्डर्स को भी डेफिनेटली फायदा होने वाला है। ऐसी कुछ खबर है दोस्तों जो फर्टिलाइजर स्टॉक्स को काफी बूस्ट जो है वो दे सकते हैं। काफी बढ़िया ग्रोथ हमें फर्टिलाइजर के स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। मैं आपको न्यूज भी बताने वाला हूँ, मैं आपके लिए 3 स्टॉक्स भी लेकर के आया हूँ बेहतर के, जिसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल सके, और आपकी कोई न्यूज जो है जिससे आप पैसे कमा सकते हो वो मिस ना हो। ठीक है दोस्तों, अब वीडियो को करते हैं शुरुआत। मैं आपको लेकर के चलता हूँ दोस्तों आर्टिकल पे, दिखाना चाहता हूँ कोई बढ़िया सी खबर जिससे आप रह जाएंगे हक्का बक्का। देखिए दोस्तों, यहाँ पर फर्टिलाइजर की बात हो रही है, यहाँ पर फर्टिलाइजर्स की प्राइस आने वाले कुछ समय में बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। रीजन यह है दोस्तों, रशिया जो है वो फर्टिलाइजर्स एक्सपोर्टर में काफी बढ़िया काम कर रहा है, ये लो कॉस्ट एक्सपोर्टर है। यहाँ पर आप सस्ते से सस्ती फर्टिलाइजर मंगा सकते हो, तो काफी सारी कंट्रीज जो है वो फर्टिलाइजर के लिए रशिया के ऊपर डिपेंड करती है, जिसमें ब्राजील भी आता है जो एक बहुत बड़ा फर्टिलाइजर कंट्री है, मफूजा बहुत ही बड़ा एग्रीकल्चरल कंट्री है। जैसे इंडिया भी एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल कंट्री है, चाइना भी एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, और भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो सस्ते में फर्टिलाइजर्स खरीदना पसंद करते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर जब ये बात हो रही थी, नॉर्थ अमेरिकन फर्टिलाइजर इंडेक्स जो है वो 16% से जंप किया, जिसमें अगर हम लोग बात कर रहे हैं न्यू ओरोलिन 22% सोर किया, साथ में पोटेश जो होता है वो लगभग 34% स्काई रॉकेट हुआ। अब यहाँ पर होने क्या वाला है, सिंपल सी बात समझाता हूँ मैं। अगर यहाँ पर डिमांड तो वैसी ही रहने वाली है, फर्टिलाइजर है, रेगुलरली आपको फर्टिलाइजर लगते हैं अगर आप खेती बाड़ी करते हो तो, लेकिन अगर फर्टिलाइजर मिले नहीं, यानी डिमांड तो है अगर सप्लाई नहीं हो, तो वहां पर गैप क्रिएट हो जाता है, और वहां पे हो जाता है शॉर्टेज, और जब शॉर्टेज हो जाता है ना दोस्तों, तो प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है, और यही प्राइस जो बढ़ जाता है दोस्तों, यही पर होता है कंपनीज का फायदा। यहाँ पर देखिएगा काफी सारी कंट्रीज हैं, ब्राजील को भी इंक्लूड कर ले, तो इन्होंने जो है ना अपना स्टॉक करना अभी से शुरू कर लिया है, इसका जो है ऑप्शन ढूंढना शुरू कर लिया है। और सिर्फ फर्टिलाइजर नहीं, बट आने वाले समय में आपका जो नेचुरल गैस है वो भी महंगा होने वाला है, और यहाँ पर जो नुकसान होने वाला है या यहाँ पर होने वाला है वो अफ्रीकन कंट्रीज का, ब्राजीलिया का, और साथ में यूरोपियन काफी सारी कंट्रीज है जो ब्राजील रशिया से जो है वो फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पर इफेक्ट और भी होने वाला है, यहाँ पर व्हीट पर इफेक्ट होने वाला है, कॉर्न्स पर इफेक्ट होने वाला है, ये सारी चीजें हैं जिससे ब्रेड बनती है, या फिर जो खाने पीने की चीजें हैं वो बनती है, तो जहाँ पे शॉर्टेज होना शुरू हो जाएगा ना दोस्तों, तो यहाँ पर प्राइजेस बढ़ेंगी, तो जिन कंपनी के पास स्टॉक पड़ा हुआ है वो एक्सपोर्ट के लिए जाएंगे, और वो पड़ा हुआ स्टॉक जो है ना दोस्तों वो बेहतरीन रेट में बेचेंगे और मोटा मुनाफा कमाएंगे। जैसे अभी अमेरिका कर रहा है, वो यूएस का ऑयल तो उसने बंद कर दिया, उसके पास जो ऑयल रिजर्व पड़े हुए हैं वो आज 140 150 रुपए पर बैरल के हिसाब से बेच रहा है, जब नॉर्मल था तो 80 रुपए के हिसाब से बिकता था। यही अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, जहां पर मौका मिल जाता है, और ये मौका बिल्कुल इंडियन कंपनीज यहाँ पर जरूर उठाने की कोशिश करेंगी। तो कौन से 3 शेयर है जिनमें बहुत बेहतरीन फायदा हो सकता है, उनके बारे में बात करते हैं दोस्तों। बात कर रहे हैं दोस्तों, देखिए पहले राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में, इंट्रेंसिक वैल्यू के नीचे शेयर है, एफडी से बेटर ने भी रिटर्न देता नहीं है, डिविडेंड अच्छा है, एंट्री पॉइंट अच्छा है, कोई फ्लैग नहीं है, मटेरियल एंड एग्रोकेमिकल्स में आता है, ये लगभग 11 के पी के आसपास है, स्मॉल कैप है, मॉडरेट सा रिस्क है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फाइनेंशियल भी काफी अच्छे हैं इसके। तो फाइनेंशियल देखिएगा दोस्तों, मैं आगे दिखा दूं आपको, नीचे अगर आते हैं हम लोग, रेवेन्यू देखिएगा, रेवेन्यू इसका कंटिन्यूअसली काफी अच्छी तरीके से चल रहा है, बढ़ रहा है रेवेन्यू। ईपीएस भी देखिएगा, ईपीएस भी 143 से 241 है, 375 है,
6.80 है, तो ये ईपीएस भी इसका रेगुलरली बढ़ते जा रहा है। पॉकेट शेयर है स्मॉल कैप का, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स है वो अगर खरीदना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन स्टॉक रहेगा उनके लिए। और यहाँ पर चार्ट पे अगर हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, तो देखिएगा ये अपने रेसिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा है, और यहाँ से अगर ब्रेकआउट दे देता है तो ये स्टॉक हमें 100 और 110 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। दूसरा स्टॉक मेरा पर्सनल फेवरेट है दोस्तों, रैलिस इंडिया। ये स्टॉक जो है राकेश झुनझुनवाला सर के पोर्टफोलियो में काफी बड़े क्वांटिटी में है, इंट्रेंसिक वैल्यू के ऊपर है फिलहाल स्टॉक। एफडी से डेफिनेटली बेटर रिटर्न है, डिविडेंड इतना अट्रैक्टिव नहीं होता, एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा है, और यहाँ पर देखिएगा रेड फ्लैग भी नहीं है कोई। हम अगर बात करें यहाँ पर रिटर्न्स की दोस्तों, तो रेवेन्यू देखिएगा बढ़ते जा रहा है, इनका भी रेवेन्यू बढ़ रहा है, इनका भी ईपीएस काफी अच्छा चल रहा है दोस्तों। इस साल इन्होंने लगभग 12 रुपए का ईपीएस देकर के रखा हुआ है, वो भी काफी बढ़िया है। रैलिस को अगर मैं देखता हूँ दोस्तों, यहाँ पर भी देखिएगा ये गिर रहा था, और यहाँ पर 225 के आसपास भी इन्होंने सपोर्ट लिया, जो बॉटम लाइन है आप देख रहे हो, मैंने दो लाइन खींची हुई है, ये जो ये ट्रेंड लाइन है, और ये ट्रेंड लाइन के बॉटम तक पहुंच चुका है, रिवर्सल भी दिखा दिया है। अब जो बड़ा रेसिस्टेंस है इसके लिए वहां पर अभी स्टॉक है, यहाँ से अगर ब्रेकआउट दे देता है ये स्टॉक, तो दोस्तों कम से कम 270 से लेकर 280 के आसपास यहाँ पर जा सकता है, और यहाँ से अगर ये सक्सेसफुली ब्रेकआउट कर देखिए, ये रेसिस्टेंस पॉइंट है, तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कम से कम 350 की रेंज के लिए, ये भी बहुत बढ़िया स्टॉक है। अब बात करते हैं दोस्तों चंबल फर्टिलाइजर्स के बारे में, ये भी देखिएगा बढ़िया स्टॉक, पांचों उंगलियां घी में, इंट्रेंसिक वैल्यू के नीचे है, एफडी से बेटर रिटर्न है, डिविडेंड अच्छा है, एंट्री पॉइंट अच्छा है, कोई फ्लैग नहीं है, यहाँ पर रेवेन्यू भी अच्छा ग्रो कर रहा है, काफी बढ़िया ग्रो कर रहा है, अगर अच्छी बात नहीं है काफी बढ़िया ग्रो कर रहा है। ईपीएस भी देखिएगा 11 रुपए से लेकर 40 रुपीज का ईपीएस ये ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, हर चीज ग्रीन है, हर चीज कोई किसी चीज में कोई टेंशन वाली बात नहीं स्टॉक में। यहाँ पर भी अगर देखते हैं दोस्तों, तो बॉटम बनाता है लगभग 350 के आसपास का डिविडेंड दे चुका है, और यहाँ पर देखिए आरएसआई भी काफी तगड़ा है, यहाँ पर देखिएगा बाइंग भी काफी बढ़िया हो रही है, और ये ऑलरेडी डबल ग्रीन देकर 44 MA के ऊपर चला गया है, और ये बहुत ही जल्दी मुझे लगता है 460 से 480-500 के आसपास का रेंज हम लोग यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फर्टिलाइजर बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है दोस्तों, फार्मिंग अगर आप कर रहे हो तो ये रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है, ये होना ही होना है। और पोटेश की अगर बात करें या हम लोग यूरिया की बात करें, तो ये बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड चीजें हैं अगर हम लोग बात करें फार्मिंग की, तो डेफिनेटली यहाँ पर फायदा होने वाला है। जितना रशिया होल्ड करेगा, जितना यूएस सेंशन लगाएगा, उतना ज्यादा इम्पैक्ट रशिया के एक्सपोर्ट कंट्रीज में पड़ने वाला है, यहाँ पर फायदा है दोस्तों, डेफिनेटली फायदा है, और खरीदिएगा जरूर। और आपके कुछ ओपिनियंस है, क्वेश्चन है, कोई स्टॉक चाहते हैं हम लोग रिव्यू करें, तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और इस वीडियो का भी यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। लेकिन वीडियो अच्छा लगा है लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और दोस्तों दूसरी बात चैनल को करना है सब्सक्राइब, बिना सब्सक्राइब किए जाना नहीं है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।